Hello, children. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter Symmetry. Symmetry is an important geometrical concept commonly used in nature and in every field of our life. Some examples of symmetry in nature are flowers, leaves, butterflies, etc. वी कैन ऑल्सो सी सिमेट्री इन मैन मेड स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स क्लोद्स मैथ्स एट्सेट्रा देखिए सिमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जैसे आप नेचुरली भी देखेंगे जैसे एग्जाम्पल्स दे रहे क्या आपको नेचर में भी सिमेट्री मिलेगी यहाँ तक कि आपके कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि देखिए बिल्डिंग्स हैं या क्लोज हैं या फिर आपकी मैथ्स हैं मीनिंग ऑफ सिमेट्री द वर्ड सिमेट्री मीन्स अलाउिंग एन ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट वन पार्ट को इनसाइड्स विद अदर in the above figures we observe that if these figures are folded along the dotted line then the part to the left side of the line is exactly the part to the right side of line

राइट पार्ट को लेफ्ट में रखेंगे या लेफ्ट को राइट में रखेंगे तो वो को हो जाएंगे सो सबसे पहले आपका लाइन ऑफ सिमेट्री अ लाइन ड्रॉन ऑन अ फिगर इन सच अ वे दैट इट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट इज इस लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री इट कैन बी वर्टिकल हॉरिजोंटल और बोथ देखिए आपकी लाइन सिमेट्री कैसे जैसे आपका ये हॉरिजोंटली भी होता है और आपका वर्टिकली भी होता है मतलब वो लाइन जो पार्ट्स को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में आइडेंटिकल यानी दोनों सेम पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है अब देखिए आपको जैसे कि सिमेट्री इन द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कुछ आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें सिमेट्री होती है यूर आर सम लेटर्स वेद द लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजोंटल देखिए बी सी डी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी हॉरिजोंटल है जबकि इन लेटर्स में आपकी कैसे है वर्टिकल ए एम टी यू वी डब्ल्यू आई एंड कुछ आपके ऐसे लेटर्स ऐसे भी हैं जो सिमेट्रिकल देखिए दो साइड से आपके सिमेट्रिकल हैं ओके okay. एंड आपके कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है लाइक एफ जे जे एल राइट रिमेंबर दैट ओ इज अ लेटर दैट हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री ओ आपका लेटर जो है उसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है आप इसे कैसे भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ओके चलिए एग्जाम्पल वन देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन अब आपको ये लाइंस कंप्लीट करनी है देखिए ये आपका हाफ जो है W का पार्ट है तो आप इसे कंप्लीट करेंगे मतलब आपका सेम होना चाहिए राइट इसी तरह से आपका ये देखिए ये है आपका एच ओके आप इसी तरह से इनको कंप्लीट कर सकते हैं चलिए एक्सरसाइज देखते हैं क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल अब आपको बताने इसमें से सिमेट्रिकल कौन है और ए सिमेट्रिकल कौन है देखिए सबसे पहले आप इसको अगर बीच में से डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा ओके okay, अब आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे अगर आप इसको बीच में से डिवाइड करते हैं तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स होंगे नो no. अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो आपका ही नहीं होगा तो ये सिमेट्रिकल आपका नहीं है

जैसे देखिए फोर्स आप इसे यहां से भी ड्रॉ हाफ कर सकते हैं और आप यहां से भी कर सकते हैं तो इसमें टोटल लाइंस ऑफ सिमिट्री कितनी होगी और आप चाहे तो इसे यहां से भी कर सकते हैं एंड सो देर आर फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री सिमिट्री इन जियोमेट्रिकल शेप्स मैनी जियोमेट्रिकल शेप्स आर ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन बहुत सारी आपकी जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं जो आपकी सिमेट्रिकल होती हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट अलाइन सेगमेंट हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री दैट इज द पोपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड द लाइन सेगमेंट इट्स अच्छा अब आपकी जो लाइन सेगमेंट है उसमें आपकी दो लाइन सिमेट्री होती है एक तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और आपका आपका जो लाइन सेगमेंट है एंगल एन एंगल हैज ओनली वन लाइन ऑफ ऑफ सिमेट्री दैट इज द एंगल बोथ द साइड्स ऑफ द एंगल मस्ट बी इक्वल इन लेंथ. देखिए आपके एंगल में कैसा होता है आपका सिर्फ एक ही होता है इस तरह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बट ये जो दोनों एंगल दिस वन ओके बट जो साइड्स होती है दोनों साइड एंगल्स की वो इक्वल होनी चाहिए

होती है, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या होगा इस पे भी सिर्फ एक ही इक्विलेटर ट्राइंगल एंड इक्विलेटर लाइंस ऑफ द एंगल आपका साइड्स इक्वल होती हैं तो इसमें तीन साइड्स तीन आपकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, होती हैं यानी कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं एंगल्स के रेक्टेंगल रेक्टेंगल द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स देखिए दिस वर्टिकली एंड हॉरिजोंटली नेक्स्ट इज रोमबस आपके रोमबस में कितनी होती है डायगनल उसके जो डायगनल होते हैं रोमबस के यही आपकी लाइन ऑफ सिमिट्री है स्क्वायर स्क्वायर हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज लाइन्स ज्वाइनिंग दिट पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स एंड द डायनल स्क्वायर में क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं तो आप इसे इस तरह से एक आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और उसके जो डायगनल होते हैं सर्कल A circle has infinite number of lines of symmetry, that is all the lines along the diameters. Circle may infinite numbers of lines of symmetry. Regular polygon. A regular polygon has as many lines of symmetry as the number of sides or

ओके क्वेश्चन नंबर टू इज ड्रॉ ए नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो होगा आपका स्केल ट्रायंगल ओके अब आप इसे खुद से ड्रॉ करेंगे स्केलन ट्रायंगल क्योंकि इसकी तीनों ही साइड्स अनइक्वल एकवल होती ओके क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रॉ द ट्राएंगल दैट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो आपका होगा आइसोसेलिस एंड जिसमें थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी वो होगा आपका इक्व ट्रायंगल। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री द टर्म लाइन ऑफ सिमिट्री इज ऑफन रेफर टू एज रिफ्लेक्शन सिमिट्री बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिट्री इज वेरी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन वैन वी प्लेस एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर वी गट एन आइडेंटिकल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप एंड साइज लाइन ऑफ सिमिट्री जो है वो उसको रेफर किया जाता है रिफ्लेक्शन सिमिट्री में क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है सिमिट्री का वो बहुत क्लोज होता है रिफ्लेक्शन के ओके okay? जैसे कि आप मिररर में देखते हैं देखिए मिररर इमेज है मिररर में देखते हैं तो आपको एक्जैक्ट इमेज दिखाई देती है सेम शेप की एंड सेम साइज़ की

सिमेट्री, ओके बस आपका क्या है कि जो आपको इमेज नजर आएगी मिरर पे वो इनवर्स होगी इनवर्स यानी कि अगर आप राइट हैंड अप करते हैं तो आपको लेफ्ट नजर आता है और आपको लेफ्ट अगर आप ऊपर करते हैं तो आपको राइट नजर आता है सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट क्शन देखते हैं तो आपका जहां पर जो वॉटर लेवल है दैट इज अन ऑफ सिमिट्री और आपको अपनी रिफ्लेक्शन उसमें नजर आती है राइट चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फाइन द नंबर ऑफ लाइन इन ईच ऑफ देप्स आपको इन शेप्स में आपको लाइन ऑफ सिमिट्री बतानी है राइट चलिए देखते हैं आपकी जो शेप जो आपको बनाई गई है इसमें फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इसी तरह से जो ट्री जैसा शेप इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है ओके okay, इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी इसके बाद नेक्स्ट इसमें टू लाइन्स है इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री और चेक कैसे करना इफ यू फोल्ड द पेपर अलॉन्ग दीज लाइन्स ऑफ सिमेट्री ईच पार्ट विल हैव एन आइडेंटिकल इमेज अगर आप पेपर को फोल्ड करेंगे ये जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग तो आपको पता चलेगा कि आइडेंटिकल इमेज है चलिए एक्सरसाइज देखते हैं ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द गिवन मिरर लाइंस डॉटेड लाइंस आपको क्या करना है इसकी इमेज आपको ड्रॉ करनी है तो आप कैसे करेंगे इसकी इमेज देखिए आपके जो डॉटेड लाइन है ये आपके मिरर लाइंस है ओके okay, आपको रिफ्लेक्शन जो है इसमें ड्रॉ करना है तो आप इसे देखिए देख के इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे इसमें कुछ बहुत इजी है आप इसे इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ द डॉटेड लाइन देखिए मिरर इमेज में क्या होता है कि आपका जो राइट right साइड है वो लेफ्ट हो जाता है यानी इसका जो माउथ वाला हिस्सा जो है वो आपका क्या हो जाएगा वो राइट इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा राइट right? और इसका जो लेफ्ट साइड है ये राइट right है और इसका जो लेफ्ट साइड है वो आके क्या हो जाएगा आपका ये राइट right हो जाएगा राइट एंड दिस ये लेफ्ट ओके okay? ये क्योंकि आपकी इनवर्स इमेज होती है मिरर इमेज ओवरव्यू टू फिगर्स आर सेट टू बी सिमेट्रिकल इफ दे कोइंसाइड विद ईच अदर लाइंस ऑफ सिमेट्री फिगर ऑन एन ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स दो फिगर्स को सिमेट्रिकल तब कहते हैं कि जब वो एक दूसरे को इन्साइट करते हैं राइट और लाइन ऑफ सिमेट्री जो एक फिगर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इज वेरी क्लोज टू रिफ्लेक्शन सिमेट्री सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री के काफी क्लोज है रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज ए नंबर ऑफ साइज और वर्टिस एक रेगुलर पॉलीगन में उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे जितनी की इसकी साइज या फिर वर्टिस होंगे एन एंगल विद इक्वल साइड्स हैज़ इट्स एंगल बाई सेक्टर एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंगल जिसकी इक्वल साइड्स है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उसका एंगल बाई सेक्टर ईच वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एच आई एक्स हैज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री ये जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट है इनमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है एंड अ सर्कल हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमिट्री और सर्कल में आपकी इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमिट्री तो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे